चाय नाश्ता किया सबने? हाँ उस्तर, चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया। हाँ, परमिट वगैरह और परमिट भी आ गया है। हाँ, और टिपिटी वगैरह करके तेरी गिना ये उधर आसमान में चल रहा है यार। अब मैं किसको बताऊं? वो तेरी, वो पप्पू भाई इधर आओ, इधर आओ। वो आसमान में फूलझड़ी चल रहा है, आपको कुछ पता चला क्या हो रहा है वहाँ? तो मेरे को नहीं मालूम है क्या है। तो अरे क्या देख रहे हो यार तुम यार, दोनों के दोनों इधर में यार फूलझड़ी चल रहा है उधर। कहाँ फूलझड़ी चलते है? चल रहा है वो आसमान में वो। अरे यार लगा रखे हो यार, क्या हुआ? अरे कहाँ चलत है वो रहा? अरे उसके लिए तो नेताजी के पास चलो भाई नेताजी के पास चलो। और नेताजी, राम राम नेताजी। राम, नमस्कार बच्चा लोग। और क्या हाल चाल है भाई? ठीक बा। अरे क्या हुआ? अरे वो आसमान में आज फुलझड़ी चल रहा है, थोड़ा चल के देखे हुए। देखो बेटा। अच्छा, हाँ नेताजी देखो तो थोड़ा। हेलो, अच्छा ये अच्छा यही है। हाँ नत्ता जी, का हमारे चीटो सर जो सिखाए थे वो भूल गए हो? का बोले के गाय दे, तुमको 220 पता है? का 220 क्या होता है? 440 क्या होता है? 6.6 क्या होता है? 11 KV 11 क्या होता है? अच्छा रुको। हाँ नत्ता जी, बुड़बक लोग है ना। हाँ, इतना मेहनत किया चीटू सर ने, ट्रेनिंग दी दिमाग वगैरह कहाँ रखे थे? घर पर रख के आए थे का? अरे भुला गए ना। तो सुनो, हाँ नत्ता जी, हम बताते हैं ये क्या है। हाँ, बताइए। ये ऐसा भूत है। अरे भूत है ना, दिखाई देने वाला, जो किसी को लाइव छू जाए ना। हाँ, तो उसका खून चूस के मुंडी बना के ऊपर पहुंचा देता है। कान नहीं है। डरो मत भैया, डरो मत है ना। जैसे भूतवा को भगाने का हनुमान चालीसा होता है, याद है का? हाँ नत्ता जी, हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा है ना भूत भगाने का? अरे तो ताबीजो अभी तो चलता है ना हनुमान चालीसा के बाद। ये वाला भूत उस हनुमान चालीसा से नहीं भागेंगे। काहे कैसे भागेगा? इससे भागेगा, ये एक GSM चालीसा है। ये GSM क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एकदम हमारे चीटू सर का ट्रेनिंग एकदम मिस कर दिए हैं आप लोग, भूल गए हैं। ये GSM चालीसा क्या है? हाँ नेता जी, हम बताते हैं। बताओ ना नेता जी। GSM चालीसा में जब आप काम करते हो, हाँ जी तो परमिटवा का नाम सुने हो? तो परमिटवा लेना पड़ेगा। काहे? उसके बाद क्या करेंगे? करेंगे बताते हैं। कौन बताएगा? दूसरा में क्या करेंगे? परमिट लेके उसका एनर्जी आइसोलेट करेंगे, फील्ड आइसोलेशन करेंगे, बंद फिर नोटबंदी करेंगे। अरे यार मैदा जी, बोल बोल के मैं थक गया। ये सारे लोग कुछ भी दिमाग में नहीं आते, ये लोग मुंडी में एकदम खड़बंद लगा के रखे हैं। अरे घबराइए मत है ना। अरे ये है क्या जीएसएम? ससुर के तो हम तो इसे भगा देंगे भूतवा को। कहा है GSM के ताबीज लगा के ना भगा देंगे। और इसको जब तक जीरो आइसोलेशन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद टेस्ट आउट भी कर लेंगे, ट्राई आउट की हाँ जीरो है कि नहीं है। अरे यार इन लोगों का पूरा मुंडी में है ना, ये इन लोगों का कुछ मालूम ही नहीं है। मलयालम में भी क्या बोलेगा? मैं मलयालम में बोला तो क्या, इन लोगों का मुंडी में एकदम कलमल लर्चरी की आ रहा हूँ। अच्छा कोई बात, तो अब GSM चालीसा सुनाया? हाँ, मिट लेंगे। हाँ, आइसोलेशन करेंगे। हाँ, तालाबंदी करेंगे। हाँ, इसके बाद ट्राई आउट करेंगे। हाँ, है ना। तो अब जय हो नेता जी की। जय नेता जी। पूर्वक हमारी जानकारियां से संतुष्ट हुए? हाँ नेता जी। ठीक, आत्मा जी सटकली। आत्मा जी सटकली।
अरे क्या रे सो रहा था क्या ट्रेनिंग में सो रहा था आदमी क्या कुछ खाया नहीं सुबह तुम क्या ट्रेनिंग में सो रहा था क्या नेताजी का ट्रेनिंग में आली रे आली रे आली जिंदे वाले एक शेर काफी है वैसे ही इलेक्ट्रिकल खतरों से बचने के लिए जीएसएम की ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है चिंगम आली रे आली माजी बारी आली आली रे आली माजी बारी आली अरे जब सिंगम बोल ही दिया तो इसी बात पे सेलिब्रेशन ही हो जाए कुछ समझ में आली समझ में आए तो जीएसएम 40 समझ में आली बोलते हैं अब कैसे समझ में आया 220 जय हो 440 जय हो 6.6 जय हो 11 केवी जय हो जीएसएम की जय हो थैंक यू जैसा कि आपने जो हमारे पावर घोष जो था हमारा नाटक का थीम था जिसमें हम जीएसएम को आगे बढ़ाने के लिए लेने के लिए कि हर जो जनरल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनेजमेंट है अगर इसकी ट्रेनिंग को अगर बहुत ध्यान से आप सुनते हैं और उसको सीख के और आप जो भी कार्यशैली में अगर उसको लाते हैं उसको अपनाते हैं सारे जो हमारे ट्रेनिंग में ध्यान से जो बताए गए हैं उसको प्रोसीजर में लाते हैं जहां एक्चुअली हम काम करते हैं तो कोई भी आपको दुर्घटनाएं होने से कोई भी दुर्घटनाएं बिल्कुल भी 0% हो जाएगा जो कि हमारा उद्देश्य ही है हमारे जावर लोकेशन में सीपीपी में माइंस में इलेक्ट्रिकल से होने वाली दुर्घटनाएं का जो लक्ष्य है या किसी से भी दुर्घटनाओं का जो हमारा लक्ष्य है वो जीरो हार्म्स की तरह है जो भी हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनको यूज करके ही और उसको फील्ड में अपना के ही हम ला सकते हैं थैंक यू